क्योंकि जिस तरीके से उसने मुझ पर चप्पलों से हमला किया और मैं मेरे वरिष्ठ लीडरों से इस मामले में मदद चाहता हूं। ये चैटिंग किसकी है और ये मुमरा कौसा में रहने वाली मेरी तमाम माँ बहनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि रानी सैयद ये खुद साबित करे जिसने आरोप लगाया मुझ में, या तो मैं उस पर मानहानि का दावा मुंबई हाईकोर्ट में दाखिल कर रहा हूँ। प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही एनसीपी के महाराष्ट्र अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष हाजी मोमिन की भारतीय जनसेवा सामाजिक संस्था के अध्यक्ष अतीउल्लाह खान का विवाद हुआ था, जिसमें कुछ महिलाओं ने हाजी मोमिन की पिटाई की थी। व्हाट्सएप पर कुछ गलत तरीके से मैसेज भेजने का आरोप हाजी मोमिन पर लगा था, मगर आज हाजी मोमिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिन महिलाओं ने व्हाट्सएप मैसेज का आरोप लगाया है उनसे साबित करने को कहा है। हाजी मोमिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि मैसेज 2017 के हैं, मगर ये मैसेज उन्होंने नहीं भेजा था। हालांकि जो स्क्रीनशॉट है उस पर दुआ ट्रस्ट लिखा हुआ है और उनका लोगो भी। हालांकि हाजी मोमिन का इस बात से इनकार नहीं है कि दुआ ट्रस्ट उनका है और लोगो भी उनका लगा हुआ है, लेकिन हाजी मोमिन का ये कहना है कि ये मैसेज उन्होंने नहीं किया है बल्कि किसी और ने किया है और जो उन्हें बदनाम किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि महिलाओं ने इस चैट के जरिए जो उन पर आरोप लगाया है तो उसे साबित करें, उनका नंबर दिखाएं। हाजी मोमिन का ये भी कहना है कि उन लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे जो उन पर गलत तरीके से इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसकी लेटर देकर पुलिस उपायुक्त थाने, साइबर सेल थाने और मुमरा पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत भी की है। हाजी मोमिन ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या सफाई दी है और जहां पर भारतीय जनसेवा संस्था जिस जगह पर चल रही है उसकी जो मालिक है, जो ऑनर है, उन पर भी दबाव किस तरह से एनजीओ के तरफ से डाला जा रहा है, उन्होंने भी क्या कुछ कहा है, सुनिए। जी मोमिन भाई, क्या आज पत्रकार परिषद यहाँ रखी गई थी, क्या है पूरा मामला, किस चीज़ की आप जानकारी देना चाहते हैं? 9 तारीख को शाम में 6 बजे अतीउल्लाह खान ने मुझे फ़ोन करके बुलाया उसके ऑफिस में। एक एनजीओ के माध्यम से उसको मैंने 8,000 रुपये दिया था, उसका एक एनजीओ था भारतीय जनसेवा सामाजिक संस्था। इस एनजीओ में उसने कई लोगों को इस तरीके के आईडी कार्ड बना के दिए थे जिस पर भारतीय राज मुद्रा और फोटो पे भारतीय राज मुद्रा का लबड़ स्टैंप है। इसी की कंप्लेंट मैंने 8 दिन पहले थाने पुलिस को ट्विटर द्वारा की गई थी और इसमें उसके पास काफ़ी चीज़ें है। ये पुलिस मेंबर का विजिटिंग कार्ड उसने बनाया था, भारतीय ये मानव अधिकार समिति का विजिटिंग कार्ड उसने बनाया था, उसके ऑफिस पे पीछे भारतीय राज मुद्रा वाला बैनर लगा हुआ था और कई लोगों को, और इसने खुद ने एक लेटर हेड बनाया था जिस पे आप देख सकते हैं भारत की राज मुद्रा वो छपा हुआ है। और ये उसका एनजीओ है, ये जो एनजीओ 2016 में ख़त्म हो चुका है और ये एनजीओ का नाम है जनसेवा सामाजिक संस्था। अगर आप देखेंगे तो जनसेवा सामाजिक संस्था, और इसने शरीफा रोड पे कुछ मच्छी वाले बैठते हैं उनसे 30-30 रुपए का हफ्ता वसूल करता था थाने महानगर पालिका की आईडी कार्ड बना के। ये आप देख सकते हैं थाने महानगर पालिका का बोगस आईडी। और ये चैटिंग जो बताई जा रही है, ये चैटिंग आप सही से देखिए, 18 सितंबर 2017, और इस पर मेरा नंबर कहीं शो नहीं हो रहा है। इस पर एक नाम सेव किया हुआ है, दुआ ट्रस्ट। दुआ ट्रस्ट हालांकि मेरा ही है, लेकिन इसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस नंबर को साबित करें, ये नंबर मेरा है। ये रानी सैयद नाम की औरत ने मुझ पर ये आरोप लगाया है कि ये चैटिंग मैं उसके साथ करता था और उसको मैंने ऐसा भी ऑफर किया हो कि मैं फाइनेंशियली और सेक्सुअल हेल्प करूँगा। तो इस पर मुझे वो क्लियर करे कि मैंने ये बात उससे कब किया। रानी सैयद का आप कब से जानते हो? रानी सैयद को मैं समथिंग एक 2018 वगैरह से जानता हूँ, जब मुझे अतीउल्लाह ने मिलाया और अतीउल्लाह ने क्लियर लफ्ज में बताया मुझे कि ये मेरे मतलब तालुकात में, मतलब समझ सकते हैं। और ये जो चैटिंग मुझसे जोड़ी जा रही है, ये चैटिंग वो साबित करे, इसके लिए मैंने साइबर सेल थाने साइबर सेल में ये अपील किया हूँ कि ये चैटिंग मुझसे जोड़ी जा रही है और मेरा नाम खराब किया जा रहा है, ये नाम को दुरुस्त किया जाए, नहीं तो इन पे मानहानि का दावा मैं मुंबई हाईकोर्ट में दाखिल कर रहा हूँ।
लेकिन हाजी भाई आप बोल रहे हो क्या चैट जो है 2017 का है हाँ। और आपकी जो बातचीत हुई है रानी सैयद से जो पहचान हुई है 2018 में हुई है हाँ। तो ये क्लियर कर दीजिए। हाँ ये क्लियर करना चाहता हूँ मैं कि रानी सैयद ये खुद साबित करे जिसने आरोप लगाया मुझ पे, या तो मैं उस पे मानहानि का दावा मुंबई हाई कोर्ट में दाखिल कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उसने मुझ पर चप्पलों से हमला किया और पूरे आज सोशल मीडिया के अंदर आपने कहां-कहां जो है कंप्लेन किए हैं इसको लेकर हाँ, क्या साइबर सेल में मैंने कंप्लेन किए हैं? मैंने सबसे पहले गृह मंत्रालय हाँ, अनिल जी देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है उनके पास ये तकरार किया हूँ हाँ, दूसरा उसके बाद पुलिस आयुक्त ठाणे इनके पास दिया हूँ, साइबर सेल में दिया हूँ, और तीसरा वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुमरा इनके पास दिया हूँ। ये खास करके इसमें लिखा हुआ है कि इस चैटिंग की जांच की जाए, ये चैटिंग किसकी है और ये निचले लेवल की राजनीति करके मुझको और मेरे पार्टी का नाम बदनाम करने के लिए, क्योंकि टारगेट पार्टी को भी किया गया था और टारगेट मुझको भी किया गया था, और मैं मेरे वरिष्ठ लीडरों से इस मामले में मदद चाहता हूं कि ये मामला क्लियर करें, ये दूध जैसा साफ मामला करें, इसको जो तरीके से इसको काला बताया गया और हाजी मोमिन को मतलब बदनाम किया गया औरतों के जरिए, और मैं इस आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुमरा कौसा में रहने वाली मेरी तमाम माँ बहनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस रानी सैयद को इससे पूछिए कि इसने इस तरीके की हरकत क्यों करी है। मीडिया में आपने क्या बयान दिया था और आपको किस तरह का प्रेशर जो है किया जा रहा है, क्या पूरा मामला? मैंने मीडिया में सर ये बयान दिया था कि जो सना है जिसने हाजी मोमिन के खिलाफ कंप्लेन किया था वो गलत है, उसका कहना ऐसा है कि उसने कुछ नहीं बोला था, बट ये मेरे पास वहाँ जो लोग मौजूद थे और कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करके ये बताया था कि ये चीज़ वहाँ पर हुई थी, सना जो है लड़की उसने ये चीज़ बोला था कि वो हाजी मोमिन पे केस करेगी, तो यही मैंने न्यूज़ में अच्छा, बोला कैसा था। केस करेगी क्या चीज़ पे जी वो कुछ नहीं पता, सिर्फ मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं हाजी मोमिन के पे केस करूँगी। तो अभी आपका रूम का क्या मसला है जहाँ पर वो एनजीओ थी उसको लेकर आपको क्या कहा गया जी? बिल्डिंग की कंप्लेंट आई है मुझे और अभी से नहीं 5-6 महीने पहले से कंप्लेंट आ रही थी कि अतीउल्ला खान जो है वो रोज़ाना अलग अलग लड़कियों को लेकर आता है, तो मैंने बोला ये ऑफिस से होता होगा, बट फिर ये सब मैटर होने लगा तो बिल्डिंग वालों ने मुझे नोटिस दिया है, कंप्लेंट किया है कि आप यहाँ से ये रूम खाली करवा दो उसको ऑफिस। तब अतीउल्ला का ऐसा कहना है कि आप अगर मुझसे ऑफिस खाली कराओगे तब पेपर पे लिख के दो, मुझे नोटिस दो कि इसके बाद आप किसी को भी ऑफिस के लिए नहीं दोगे। तो आप अभी किसके तरफ से, आप क्या हाजी मोमिन के तरफ से या अतीउल्ला के तरफ से या फिर इंडिपेंडेंट? जी मैं किसी की तरफ से नहीं हूँ, जो सच है मैं सच के साथ हूँ। अगर हाजी मोमिन गलत है तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर वो लेडीज़ और अतीउल्ला गलत है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए।